हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन, डिफाइन प्रपोजल एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए डिफाइन करता है प्रपोजल एज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिग्निफाई करता है क्या, हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, अपनी विलिंगनेस प्रकट करता है कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए, विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अनदर, इस अपेक्षा में कि सामने वाला उसको हाँ बोलेगा, टू सच एक्ट ऑफ एब्सटेंस, एब्सटेंस इसके लिए यूज हो रहा है, ही सेड टू मेक अ वैलिड प्रपोजल। अब मैं आपको इसका इलस्ट्रेशन देता हूं, मान लीजिए कॉलेज में असाइनमेंट सबमिशन है, आपका दोस्त बोलता है यार मेरे को 50 रुपए मैं तेरे को दूंगा, तू मेरे को असाइनमेंट लिख कर दे, तो जो नीडी बंदा होगा राइट, वो 50 रुपए लेके असाइनमेंट लिख कर देता है, तो वो हो गया एग्जाम्पल टू डू कि 50 रुपए लूंगा असाइनमेंट लिख के दूंगा। दूसरा है एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग। अब जिसका इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे प्रभास ने जब बाहुबली मूवी साइन की थी राजमौली के साथ, तो उसने बोला कि मैं अब 2 साल तक और कोई मूवी नहीं करूंगा, ये मैं आपको बोलता हूं, तो एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग कुछ ना करने का, 2 साल तक मूवी नहीं करेगा अगर प्रभास के साथ राजमौली के साथ करता है तो एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग है। तो कुछ करना या कुछ ना करना दोनों ही प्रपोजल के डेफिनेशन में आता है। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड प्रपोजल, पहले कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, ये चीज आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी हुई है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, टर्म्स डेफिनेट एंड सर्टन, ऑफर को कम्युनिकेट करना चाहिए, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, जनरल और स्पेसिफिक भी हो सकता है, मस्ट बी मेड विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलस्ट्रेशन जब दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, मस्ट नॉट थ्रस्ट बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का बर्डन थ्रस्ट नहीं करना चाहिए। नाउ सबसे पहले कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, तो ये सेम पॉइंट है, एन एग्रीमेंट मस्ट बी सच नेचर दैट इट रिजल्ट्स इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द पार्टी टू हुम ऑफर इज मेड एक्सेप्ट्स इट, सोशल इन्विटेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इवन इफ इट इज एक्सेप्टेड इट डज नॉट क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, बेलफॉर वर्सेज बेलफॉर, केसेस कोट करोगे ना तो आंसर में ज्यादा मार्क्स मिलती है, ये लॉ का रूल है, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेज क्रॉम्पटन ब्रदर्स, ये आप केस कोट करना। अब टर्म्स डेफिनेट एंड सर्टन, उसमें आपको एग्जाम्पल, अब सपोज कभी कभी क्या होता है भाई यार, जो लाइक मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा अपना लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, तो आप इलस्ट्रेशन लिखिए, दैट विल क्रिएट अ इक्वल इमेज, यार उसको पता है एटलीस्ट कि कहना क्या चाहता है। द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट अनएम्बिगुअस एंड सर्टन, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी लूज और वेग। एग्जाम्पल लिखने का, मिस्टर ए सेज टू मिस्टर बी आई विल सेल यू अ हॉर्स, मिस्टर ए ओन्स 4 हॉर्सेस, द ऑफर इज नॉट डेफिनेट, कौन सा घोड़ा बेचना चाहता है भाई, डेफिनेट करो, क्लियर करो, है ना, क्लियर बोल, क्लियर तो डेफिनेट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, अनलेस एन ऑफर इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट, अगर आपने ऑफर को कम्युनिकेट ही नहीं किया तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता, एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर एंड इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर इज नलिटी एंड डज नॉट क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। मैं कुछ का एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपने एक कंपनी का सिम खरीदा, अब उसमें आपको बोला गया था कि आपको फ्री डेटा है, 10 GB डेटा मिलेगा, फ्री कॉल्स है, पर आपको 500 रुपए चुकाने पड़ेंगे मंथ के एंड में, अब ये चीज वो आपको कम्युनिकेट करना भूल गया कि 500 रुपए चुकाने पड़ेंगे मंथ में, अब मैंने तो सिम ले ली, फिर एंड में बिल आया सपोज पोस्ट पे, तो मैं बोला यार तूने तो पहले बोला ही नहीं, तो अगर मेरे को प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो आई एम नॉट बाउंड टू पे दैट 500, तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बिफोर एक्सेप्टेंस, फिर ऑफर में भी कंडीशनल, अब अ प्रपोजर कैन मेक एन ऑफर सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस, दीज कंडीशंस मे बी हार्ड एंड रिडिक्यूलस, इफ द कंडीशंस आर प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी देन सच कंडीशंस विल बी बाइंडिंग एंड ही कैन नॉट प्ली इग्नोरेंस ऑफ द कंडीशंस, कंडीशंस आपको बताई गई है पर आपने नहीं सुनी है तो आप फॉल्ट में हैं, फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप कुरियर करते हैं, अब पोस्ट इंडियन पोस्ट यूज क्यों नहीं करते, कुरियर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जल्दी पहुंच जाए, पर कुरियर के बैक साइड में लिखा होता है कि यार अगर देरी से पहुंचे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और फिर भी हम कुरियर करते हैं तो ओके, अगर देरी से पहुंच गया तो हम कुरियर वाले को कुछ नहीं कर सकते, यहां पर केस लॉ है, पार्केट वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, ये वो क्लॉक रूम में अपन लगेज रखते हैं ना, तो उसमें 10 पाउंड का ही लगेज तक का इंश्योरेंस था भाई, 10 पाउंड तक का वैल्यू रखो कोई दिक्कत नहीं है,
अब एक बंदे ने 24 पाउंड का बैग रखा, उसमें 24 पाउंड का बर्थ था, तो भाई बैग चोरी हो गया क्लॉक रूम से। अपन नहीं स्टेशन पे जाते हैं, थोड़ा वेटिंग होता है, तो चलो अहमदाबाद गए, घूम के आए बाहर, क्लॉक रूम में सामान रख दिया, तो क्लॉक रूम में सामान रखने से चोरी हो गया। तो अब जितना लीगली वो क्लेम कर सकता है जो उसके ऑफर की कंडीशंस में था, उससे ज्यादा वो क्लेम नहीं कर सकता। ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, जनरल ऑफर मतलब सभी को किया जाए, स्पेसिफिक यानी जब किसी स्पेसिफिक बंदे को किया जाए या क्लास ऑफ पीपल को किया जाए तो उसको स्पेसिफिक ऑफर कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट। अब विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट क्या होता है कि मान लो जैसे मैं कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट, अब मैं बताता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है, जो भी मेरे को सॉल्व कर दे करके देगा मैं उसको गोल्ड का गिनी दूंगा। अभी साला हम कॉमर्स स्टूडेंट, अकाउंट्स और स्टैट्स के हम मान मान होते हैं, अब मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सम करके देखो, मतलब समझने की बात है कि कोई कर नहीं सकेगा, तो ये ऑफर ही नहीं है, राइट? तो क्यों? क्योंकि विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट नहीं है। ऑफर ऐसा होना चाहिए जो विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट होना चाहिए, तो ये ऑफर ही नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट को मैं यहाँ मेरे क्लास में बोलूंगी यार तुम ट्रिग्नोमेट्री का सम करके दिखाओ, है गोल्ड की गिनी दूंगा, मतलब समझने की बात है कि ये ऑफर नहीं है, क्योंकि कोई भी उसके लिए रेडी नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट नॉट थ्रस्ट बर्डन ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच मे बी अज्यूम्ड टू बी एक्सेप्टेंस, है ना? तू है मेरी किरण नहीं चलेगा, कुछ जवाब नहीं दिया तुम्हें हाँ समझूंगा। अरे भाई देश आजाद है, यू कैन नॉट से दैट द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच मे बी अज्यूम टू बी एक्सेप्टेंस। दस वन कैन नॉट से दैट इफ ही फेल्स टू हियर फ्रॉम द अदर पार्टी विद इन अ वीक ही शेल कंसिडर द ऑफर बी एक्सेप्टेड। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड बातें हैं, उसको जोड़िए, बाकी पर्सनल मत लीजिए। तो ये 7 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफर कैसे लैप्स होता है, तो ये फ्लो चार्ट बना देने का लैप्स ऑफ एन ऑफर का, सेक्शन 6। अब ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 कोट करना कि ऑफर कैसे लैप्स होता है। बाय नोटिस, बाय लैप्स ऑफ टाइम, फेलियर टू फुलफिल कंडीशन प्रेसिडेंट, डेथ और इंसैनिटी, काउंटर ऑफर एंड रिजेक्शन। तो 1 2 3 4 5 6, सेक्शन 6 में 6 बातें याद रखना। अब बाय नोटिस, सबसे पहले ऑफर जैसे नोटिस से दिया जाता है वैसे रिवोक भी नोटिस से किया जा सकता है। एन ऑफर में भी रिवोक बाय कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। ऑफर कम्स टू एन एंड आफ्टर द अदर पार्टी रिसीव्स सच नोटिस। एन ऑफर में भी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले आप कभी भी ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। लैप्स ऑफ टाइम, अब ऑफर लैप्स ऑफ टाइम से रिवोक हो सकता है, ये हम पढ़ रहे हैं लैप्स ऑफ ऑफर, ऑफर कब लैप्स हो जाता है। इफ टाइम स्टिपुलेटेड, अब टाइम दिया गया है, इफ टाइम स्टिपुलेटेड इन एन ऑफर द ऑफर इज रिवोक बाय द लैप्स ऑफ टाइम। मैं बोलता हूं भाई 15 नवंबर तक ऑफर है, तो 15 नवंबर को ऑफर खत्म, राइट? इफ द सेम इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफर लैप्सेस। इफ द टाइम इज नॉट स्टिपुलेटेड, इफ द नो टाइम स्टिपुलेटेड इट लैप्सेस बाय द एक्सपायरी ऑफ द रीजनेबल टाइम। नाउ रीजनेबल टाइम क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस। अब हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई बोलेगा नहीं 5 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो, अरे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है यार, एज ऑन नाउ 5 करोड़ मैटर करता है, तो यू शुड गिव अ रीजनेबल टाइम, 15 दिन 20 दिन, राइट? चलो, फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस बी सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट बी विल पे एन एग्रीड प्राइस बिफोर सर्टन डेट। भाई सूद ही देनी पड़ेगी ना। पहले आप सपोज 3 करोड़ का मकान ले रहे हैं, 30 लाख रुपए पर्टिकुलर डेट तक देना है। अब 30 लाख रुपए पर्टिकुलर डेट तक नहीं दोगे तो डेफिनेटली मकान का सौदा कैंसिल। वी फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन, हेंस द ऑफर इज रिवोक्ड। डेथ और इंसैनिटी, द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर पुट्स एन एंड टू द ऑफर प्रोवाइडेड द ऑफरी कम्स टू नो बिफोर एक्सेप्टेंस। अब जो ऑफर कर रहा था उसको गुजर गया या पागल हो गया, इंसैनिटी मतलब पागल। हाउएवर इफ द ऑफर एक्सेप्ट द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ डेथ एंड इंसैनिटी द ऑफरर द एक्सेप्टेंस इज वैलिड। एक्सेप्टेंस वैलिड है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिर आगे आप पढ़ेंगे। तो जनरली डेथ और इंसैनिटी ऑफर को लैप्स कर देती है। काउंटर ऑफर, एन ऑफर इज रिवोक्ड इफ एन काउंटर ऑफर इज मेड दैट इज ऑफर टू सेल इज एग्जाम्पल एन ए ऑफर्ड, यहाँ पे ए होना चाहिए, ए ऑफर टू सेल इज हाउस टू एच फॉर $1,000, एच ऑफर्ड $950, बोलते हैं साहब $950 बार के नहीं, ए रिफ्यूज द ऑफर। सब्सिक्वेंटली एक्स एच ऑफर्ड $1,000,
Now, held there is no contract as a counter offer to the proposal amounts to rejection. Counter offer करोगे? मैंने बोला 1,000, उसने बोला नहीं 950. तो जैसे उसने 950 बोला तो मेरा 1,000 वाला ऑफर ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया. रिजेक्शन, एन ऑफर वंस रिजेक्टेड इज डेड एंड कैन नॉट बी रिवाइव्ड बाय सब्सिक्वेंट एक्सेप्टेंस. शॉर्ट टर्म स्टैंडिंग ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर. अब जो टेंडर भरते हैं ना उसको स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं. वेयर गुड्स और सर्विस आर रिक्वायर्ड ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, अ ट्रेडर में इनवाइट अ टेंडर और अ स्टैंडिंग ऑफर व्हिच इज ऑल्सो कॉल्ड कंटिन्यूइंग ऑफर. दस एन ऑफर फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्टन मटीरियल एट अ सर्टन रेट ओवर अ डेफिनेट पीरियड इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर. जो अपन टेंडर भरते हैं भाई, सपोज एक मार्केट बन रही है, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, टेंडर निकला भाई, जिसको भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का टेंडर पास कराना है, बताइए हम आपसे सीमेंट रेती कांकरी लेंगे जो भी है, तो वो स्टैंडिंग ऑफर होता है. इन परसिवल लिमिटेड वर्सेस एलसीई बी साइंड टेंडर एड्रेस टू द लंदन कंट्री काउंसिल टू सप्लाई ऑल द गुड्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द एक्सटेंडेड ऑर्डर. इवन दो द टेंडर वॉज एक्सेप्टेड बाय द काउंसिल, लंदन काउंसिल ने टेंडर एक्सेप्ट किया, द काउंसिल डिड नॉट ऑर्डर एनी गुड्स. Held the council was not bound to order any goods. If it did so, P was bound to deliver the goods and when ordered. अब देखो इसलिए टेंशन वाली चीज है, टेंडर टेंडर भरा, टेंडर मिला. अब साला कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही नहीं हुआ तो अपन नहीं बोल सकते यार तुम माल कब लोगे, माल कब लोगे. पर साला वो कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दे, धड़ाधड़ माल हमसे लेते रहे तो हमारे को टाइम पे माल देना है. गॉट इट? तो टेंडर थोड़ा, ये जो स्टैंडिंग ऑफर है वो थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से पढ़ना. दस इफ अ पर्सन हु इनवाइटेड द टेंडर गिव्स नो ऑर्डर और डज नॉट ऑर्डर द फुल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सेट आउट ऑन द टेंडर, देर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब उसको रिवोक कैसे करें? रिवोकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑफर. एंड स्टैंडिंग ऑफर लाइक एन ऑर्डिनरी ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस. द क्वेश्चन माइट बी कि वेदर अ पर्सन मेकिंग अ टेंडर कैन रिवोक इट एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड. इन ऑफर्ड डेविस केस द डिफेंडेंट गेव अ लेटर टू द प्लेंटिफ गारंटिंग द ड्यू पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड बाय द प्लेंटिफ. उसने गारंटी भरी थी कि डेविस के अगर उसकी गारंटी देता है कि वो जो भी बिल डिस्काउंट करेगा अगर वो पे नहीं करेगा तो हम पे करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंड टू द एक्सटेंट ऑफ मैक्सिमम 500 पाउंड बिफोर द पीरियड वॉज ओवर. 12 महीने के अंदर एंड एनी डिस्काउंट वॉज मेड. अभी डिस्काउंट भी डेविस ने नहीं कराया था. डिफेंडेंट विड्रू द गारंटी बट प्लेंटिफ इग्नोर्ड द विड्रॉवल एंड वेंट ऑन डिस्काउंटिंग द बिल. सम बिल्स वर नॉट मेड. द क्वेश्चन अरोज वेदर द डिफेंडेंट वुड बी लायबल टू ऑन द गारंटी और नॉट. भाई मेरे को पता चला था लफड़ा करने वाला है तो मैंने गारंटी रिवोक कर दी, और उसने जब मैंने गारंटी रिवोक की उससे पहले उसने बिल्स डिस्काउंट नहीं कराए थे. द कोर्ट हेल्ड दैट द डिफेंडेंट हैड राइट टू रिवोक द प्रॉमिस बिफोर द प्लेंटिफ हैड एक्टेड अपॉन इट एंड दैट द राइट वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रॉमिस बीइंग एक्सप्रेस्ड टू बी फॉर 12 मंथ्स और द फैक्ट सम डिस्काउंट हैड ऑलरेडी बीइंग डन बिफोर द रिवोकेशन. Conclusion, a tender undertaken to supply goods as and when required during a particular period is standing offer. It does not necessarily become a contract on the tender being accepted. It will become binding contract only when a specific order in terms of the tender is placed. Till then, both the parties are at a liberty to withdraw and free from the obligation. मतलब स्टैंडिंग ऑफर को रिवोक किया जा सकता है प्रोवाइडेड उसने एक्शन लिया हो उससे पहले, माल सप्लाई करने से पहले, ऑर्डर देने से पहले. मैंने बोला यार मेरे को माल नहीं सप्लाई करना है तो रिवोक कर सकता हूं. नेक्स्ट है डिफाइन एक्सेप्टेंस. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस के क्या रूल्स हैं? तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. जब प्रपोजल एक्सेप्ट कर देते हैं तो प्रॉमिस हो जाता है. ठीक है. अब फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस. एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, अनक्वालिफाइड. ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए. इट मस्ट बी एक्सप्रेस बाय द मोड प्रिस्क्राइब. जो मोड बोला जाता है उसी से उसको एक्सेप्ट करना है. इट मस्ट बी मेड बाय द पार्टी नेम्ड इन द ऑफर. जिसको ऑफर दिया है वही एक्सेप्ट करेगा. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. ऑफरर को कम्युनिकेट करना चाहिए कि हाँ भाई मेरी हाँ है. करेक्ट. एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम. एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इन द इग्नोरेंस ऑफ ऑफर. नाउ ये पॉइंट्स हैं. इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. एन एक्सेप्टेंस टू बी इफेक्टिव मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल. फिर उसका एक एग्जाम्पल है. $280 एन एक्सेप्टेड बोला $80 अभी दूंगा बाकी का किश्त. तो नहीं, ये देखो काउंटर ऑफर नहीं कर रहा है, $280 दे रहा है. काउंटर ऑफर से अलग है. काउंटर ऑफर में क्या बोलेगा, 280 का मेरे को $270 चाहिए, तो वो काउंटर ऑफर हो गया.
ऑफर लैप्स, यहां पर बोलता है $280 दूंगा पर $80 कैश बाकी का लोन, तो भी नहीं चले, क्योंकि एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। इट मस्ट बी एक्सप्रेस इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, इफ द ऑफरर प्रिस्क्राइब्स अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस द एक्सेप्टेंस शुड बी मेड अकॉर्डिंगली, फॉर इफ द ऑफरर सेज वायर रिप्लाई द रिप्लाई सेंट बाय पोस्ट देयर इज नो एक्सेप्टेंस। भाई है ना, फोन करना, फोन पे जवाब देना, पर तुमने लेटर लिखा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो उसी मोड से आपको जवाब देना है। इट मस्ट बी बाय द पार्टी नेम्ड इन द ऑफर, जिसको ऑफर दिया है वही बंदा एक्सेप्ट करेगा और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। राइट, इट्स अ वेरी क्लियर पॉइंट। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर, डेफिनेटली जैसे ऑफर कम्युनिकेट होता है वैसे एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ये लिखा होगा मतलब भाई नोटबुक टेक्स्ट बुक खोला है उसने। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन द रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। जब तक ऑफर लैप्स नहीं होता है उससे पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इफ एट एनी टाइम, इफ एनी टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, एंड नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड, एक्सेप्टेड विद इन द रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस कैनॉट बी इन इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर, एक्सेप्टेंस कैनॉट प्रिसीड द ऑफर, नॉर इन एक्सेप्टेंस इन टोटल इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर रिजल्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले ऑफर होना चाहिए फिर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस है का ऑफर का पता ही नहीं और एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। विश यू गुड लक।